नमस्कार। आज हम खतौली आए हुए हैं। खतौली के पास रामपुरिया गांव है, ये कोटा जिले में है और यहाँ पर वैसे सवाई माधोपुर की सीमा भी पास में है, उधर मध्य प्रदेश की सीमा भी पास में, पीछे पार्वती नदी है उसके आगे मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर मैं देखने के लिए आया हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, इनका यहाँ पर फार्म है, ये फार्म हाउस है आंवले का। तो मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि कैसे इन्होंने आंवले की खेती की हुई है। सबसे पहले देखा मैंने कि हाँ, इन्होंने सौर ऊर्जा का सिस्टम लगा रखा है और इसी से ये मोटर चलाते हैं। ये क्या सौर ऊर्जा से मोटर चल जाएगी? हाँ, चल जाएगी। चलाइए जरा, ये सौर ऊर्जा से इन्होंने मोटर को जोड़ रखा है और ये देखिए पानी आ गया है और इस पानी को आप पी सकते हैं, खेती के लिए काम ले सकते हैं। सिस्टम आपने बढ़िया लगा रखा है। ये कुल कितनी जगह में आपने आंवले का बाग लगा रखा है? ये 14 बीघे में पूरे में। 14 बीघे में। अच्छा, इसमें थोड़ा दिखाइए कि ये कितने पेड़ होंगे कुल? 425 पेड़ आंवले के लगाए हुए हैं। ये कितने साल पहले लगाए हैं? क्योंकि काफी बड़े पेड़ लग रहे हैं। 15 साल। 15 साल पहले इन्होंने यहाँ पर आंवले का बाग लगाया और अब एकदम फल फूल रहा है बाग। अभी तो गर्मी का मौसम है, आज ये जुलाई का महीना है, मानसून नहीं है और मानसून की पहली बारिश भी अभी नहीं हुई है। लेकिन मेरी इनसे बात हुई थी जब आंवले का सीजन था और आंवले की अच्छी पैदावार होती है। एक पेड़ में कितना आंवला उतर आता होगा? 3 से 5 क्विंटल के समथिंग उतर जाता है एक पेड़ में। 3 से 5 क्विंटल आंवला उतर जाता है। आप अनुमान लगाइए कि आंवले का अगर आपको मिनिमम भी भाव मिलेगा, मिनिमम 20 रुपए किलो, तो आपको आंवला बिक ही जाएगा। अब 3 से 5 क्विंटल एक पेड़ में, 425 पेड़ है, 14 बीघा जमीन ली, जमीन के रेट भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है और ये यहाँ पर एक मेगा हाईवे जैसा कुछ, 12 मथुरा, ये 12 से मथुरा तक जा रहा है। जो हम यहाँ खतौली सवाई माधोपुर रोड, आप गूगल मैप में इसको देख सकते हैं, सवाई माधोपुर 40 किलोमीटर है, यानी कि एकदम मेन रोड पे है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर आप अपने उत्पाद को बेचने के लिए मंडी ले जाना चाहते हैं तो जनरली होता है कि आपने खेती तो कर ली लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कत है, वहाँ पहुँचे कैसे। तो मेन रोड पे इनका फार्म है, 14 बीघे का फार्म है, इसमें 425 पेड़ लगा रखे हैं और अच्छी खासी पैदावार होती है। तो क्या करना चाहिए किसानों को अब आपके अनुसार? जैसे जो लोग हमारे गांव के पास, तो सब लोग सरसों की खेती करते हैं और या इन दिनों में बाजरा बोते हैं, जब मानसून आता है तो बाजरा बोते हैं मानसून की फसल, और दूसरी फसल के तौर पे जो लोग बाजरे खाली रखते हैं सरसों बोते हैं, तो ये सरसों बाजरे की तुलना में ज़्यादा अच्छी चीज़ है या क्या, कितनी मेहनत है इसमें? इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, 3 साल में पौधा लगाओ तो 3 या 4 साल में आंवला देने लग जाता है। हाँ, अब इसमें एक तो आंवले को जानवर नहीं खाते हैं, कोई भी जानवर आंवला नहीं खाता है, एक तो नुकसान नहीं है जानवर से या किसी से भी, और एक पानी की भी कमी है, एक बरसात लग जाती है फिर सर्दी में या सर्दी आने से पहले पानी लगता है, लेकिन में जैसे ये जा रहा है ऐसे ही पानी लगता है इसमें। एक पानी काफी है? हाँ, 1.5 पानी काफी है, मतलब 1-2 बार पानी काफी है। और एक ही इसमें खाद देना पड़ता है, जैसे 10-5 किलो यूरिया आंवले में थोड़ा गड्ढा बना के खोद के उसमें डाल देते हैं, पेड़ में 10-5 किलो। हाँ, 10-5 किलो, और फिर जैसे आंवला आता है ना तो टूटते नहीं, एक स्प्रे होता है आने से पहले, जो मोर आता है ना फूल आते हैं आंवले उस टाइम एक स्प्रे होता है, क्लानोफिक्स टाइप, ऐसे कुछ स्प्रे होता है, जैसे फसलों में करते हैं ना अपन, उस टाइप का स्प्रे होता है, इससे वो झड़े नहीं गिरे नहीं। और इनमें एक नुकसान है कि जैसे बारिश आती है ओले गिरते हैं नीचे गिर जाते हैं, तो ये गिरा हुआ भी काम आ जाता है आंवला। अच्छा, क्योंकि पीसने में काम आता है ये, इसका अच्छा, कोई अच्छा, कटाई वटाई नहीं होती, डायरेक्ट पीसता है, क्योंकि दवाएं वगैरह पीस के ही बनती है, तो ये फायदा है इसमें आंवले में। अच्छा, आप कहाँ बेचते हैं, कैसे ये करते हैं? जैसे ठेकेदार आते हैं लेने, कोई जैसे डाबर आंवला तेल आता है उसका, पिछले साल डाबर आंवले वाला लेता था ये ठेका, अभी शायद पता नहीं कोई कंपनी है दवाई की उसके ठेका है इसका, ये 9,61,000 में ठेका है एक साल का भी। तो देखिए मित्रों, 14 बीघा जमीन में, और मैं बता दूं आपको कोटा जिले में 1 बीघा 16 विस्वा का है
और 14 बीघा जमीन में इन्होंने कभी करीब 425 आंवले के पेड़ लगा रखे हैं। तीन साढ़े 300 पौधे और लग जाएंगे बीच में। अब बीच में बीच में जगह है, कई जगह हटा दिए, वेरायटी कमजोर थी ना तो हटा दिए, कमजोर पौधे हटा दिए हैं, उन जगहों पर और पौधे लगाए जाएंगे, 300-400 पौधे और लग जाएंगे। तो आप मान के चलिए 15 से 16 लाख एक साल का। कि अभी 9,61,000 का ठेका है जिसमें पानी का थोड़ा खर्चा है, सौर ऊर्जा से चल रहा है ये, तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन बिजली वाली भी मोटर इन्होंने लगा रखी है। दोनों विकल्प हैं, आप बिजली वाला चला लीजिए चाहे सौर ऊर्जा वाला चला लीजिए, दोनों का प्रेशर बराबर आता है। नहीं, उसका ज़्यादा आता है, उसका ज़्यादा प्रेशर है, ये सौर ऊर्जा है इसलिए। लेकिन सौर ऊर्जा में इन्होंने एक अच्छा काम किया, सेंसर लगाया हुआ है, सेंसर से ये कि जिधर सूरज जाएगा उधर वो मुड़ता रहेगा सूरज के हिसाब से, तो जिससे अधिक से अधिक ऊर्जा इकट्ठी कर सके। ये सौर ऊर्जा का काम है, ये सेंसर का काम है। और इनका खर्चा मैं बता रहा था आपको, पानी का खर्चा है, खाद का खर्चा है और स्प्रे का खर्चा है, तो वो खर्चा जोड़ करके 50-60 हज़ार का खर्चा हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 14 बीघा जमीन में आपके, और जो भी 14 बीघा अगर आप सवाई माधोपुर से तुलना करेंगे जहाँ 20-20 का बीघा है, तो आप मान के चलिए कि 12 बीघा के आसपास जमीन होंगी उसे वहाँ के हिसाब से देखेंगे तो। और उसमें अगर 9 लाख की पैदावार हो रही है तो एक अच्छी पैदावार है, क्योंकि 12 बीघा हमारे पास अगर जमीन होगी तो उसमें 2-3 लाख से ज़्यादा तो किसी की पैदावार नहीं हो पाएगी, और यहाँ पे 9 लाख की पैदावार हो रही है। तो आपने तो अच्छा प्रयोग किया, इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? ये आइडिया ये सही थी, मतलब थोड़ा फसल वसल नहीं होती थी इसमें, लेकिन आसपास तो किसी का भी कोई आंवले का बाग नहीं है, आपके दिमाग में कहाँ से आइडिया है? ऐसे ही आइडिया देखा था उधर माधोपुर, जैसे अमरूद के फार्म वार मेरे देखे, तो फिर किसी ने कहा कि आंवला बढ़िया रहता है। तो अच्छा, अमरूद से आपके आंवला का आइडिया आया? अरे जमीन में क्या है, थोड़ा सा ही है, पीली मिट्टी है, तो इस वजह से चिकनाहट है, तो इसमें बाग सक्सेस है थोड़ा सा। अच्छा, इसमें बाग हो सकता है, इसमें खेती करना थोड़ा मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, पर ये टफ है थोड़ा सा खेती करना, आसपास के करते ही खेती करते हैं। क्या क्या बोते हैं आसपास के लोग? गेहूं भी होता है, सब चने भी होते हैं, सब सरसों भी होती है, सब फसल होती है, तो वो चावल भी करते हैं आसपास। उन लोगों को ये नहीं लगता कि इन्होंने बाग लगा लिया, हम भी बाग लगा लें? अभी तो उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, उनको क्यों नहीं लगाया था। अच्छा। पर वो रहे धीरे धीरे थोड़ा आगे जाओ। आंवले के पौधे कहाँ से लेके आए? प्रतापगढ़ से लेके आए थे, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़। वहाँ का आंवला फेमस है, जो इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ है, तो वहाँ से आंवले के पौधे लाए। एक बार फिर से बता दें कि हम एक आंवले के फार्म में है, आंवले के एक बाग में है, जो करीब 14 बीघे का खेत है, 14 बीघे का पूरा फार्म है, और इसमें आंवले लगाए हुए हैं। ये बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके कि एक अलग प्रयोग किया है। और हमारे मित्र ने बताया कि एक पेड़ में कितना आंवला उतर आता है? 3 से 5 क्विंटल। 3 से 5 क्विंटल आंवला उतर आता है, और अच्छी रेट मिल जाती है। और इन्होंने सौर ऊर्जा वाला भी लगा रखा है, बिजली वाला भी रखा है।